एनसीपी की इस कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत पवार की चचेरी बहन होने के नाते वो चाहती हैं कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो। सुप्रिया की यह टिप्पणी अजीत पवार के बयान के बाद आई है। दरअसल विपक्ष के नेता के रूप में अजीत पवार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अजीत पवार ने कहा कि वो एनसीपी संगठन में एक पद पर रहना पसंद करेंगे। सुले ने पुणे में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि दादा संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। इससे कैडर में सकारात्मक संदेश जाएगा कि वरिष्ठ नेता पार्टी के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे लिए एनसीपी एक परिवार है और मैं चाहूंगी कि उसके सभी सदस्य खुश रहें। अजीत पवार संतुष्ट हैं तो उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। अजीत पवार ने एनसीपी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार की मौजूदगी में कहा कि वो विपक्ष के नेता के रूप में नहीं बने रहना चाहते हैं, लेकिन जब पार्टी के विधायकों ने इसकी मांग की तो उन्होंने ये पद संभाला। शरद पवार पर महाराष्ट्र के एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल को बर्खास्त करने का दबाव बन रहा है, जिन्होंने 3 साल के सामान्य कार्यकाल के मुकाबले 5 साल पूरे कर लिए हैं। अजीत पवार ने अपने बयान में परोक्ष रूप से पार्टी के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत की ओर इशारा किया था। जयंत पाटिल ने मीडिया से बचते हुए कहा कि वो संगठनात्मक कार्यों में व्यस्त हैं। हालांकि सुप्रिया सुले ने पुणे में कहा कि जयंत पाटिल जैसे वरिष्ठ नेता लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तरह कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के विकास में योगदान दिया है। वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन मिलना हमेशा पार्टी के लिए बेहतर होता है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल ने अप्रत्याशित रूप से सही लेकिन एनसीपी प्रमुख पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। भुजबल ने कहा कि शुरुआत में मैं महाराष्ट्र एनसीपी का प्रमुख था, लेकिन केवल 4 महीने के लिए। मेरे अनुभव को देखते हुए दोबारा विचार किया जा सकता है। भुजबल ने खुद को ओबीसी के मुद्दे पर चैंपियन के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार को राज्य में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए ओबीसी समुदाय के एक नेता को मौका देना चाहिए। भुजबल ने कहा कि भाजपा की राज्य इकाई का नेतृत्व भी एक ओबीसी नेता करता है। एनसीपी के पास कई सक्षम ओबीसी नेता हैं जो उसे नई दिशा दे सकते हैं। हमें कांग्रेस की नीति का पालन करना चाहिए। कांग्रेस ने पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एक अनुभवी ओबीसी नेता को नियुक्त किया है। भुजबल ने कहा कि जहां तक एनसीपी का सवाल है, सुनील तटकरे, जितेंद्र अहवाद और धनंजय मुंडे सहित प्रमुख ओबीसी नेताओं पर राज्य एनसीपी अध्यक्ष के लिए विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर वे अनिच्छुक हैं तो मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास काफी अनुभव और संगठनात्मक कौशल है। हालांकि पिछले कुछ महीने से अजीत पवार लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग मुद्दों की वजह से चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार अजीत पवार ने नेता विपक्ष पद छोड़ने की जो मंशा जाहिर की है, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर अजीत पवार की जगह कौन लेगा, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा समय में राज्य के शिंदे फडणवीस सरकार को जितनी मजबूती के साथ अजीत पवार घेरते हैं उतना शायद ही कोई अन्य विपक्षी नेता घेर पाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रिया सुले ने खुले तौर पर यह कहा कि दादा की सारी इच्छाएं पूरी हो, इसकी बदौलत महाराष्ट्र में सियासी चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि अजीत पवार के नेता विपक्ष का पद त्यागने का खुले तौर पर सुप्रिया सुले ने समर्थन क्यों किया है। क्या सुप्रिया के पास कोई प्लान बी है और उसके जरिए क्या विपक्ष के नेताओं को एकजुट करके और जिस तरीके से घेरने की बात कही जा रही है आगामी समय में सरकार को, और खासकर जब आगामी समय में मानसून सत्र जैसा महत्वपूर्ण सेशन विधानसभा का होने वाला है और ऐसे में सरकार को घेरना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मानसून सत्र में अगर सरकार को घेरने में विपक्षी दलों के नेता सफल हो गए तो फिर आगामी समय में महाराष्ट्र में चुनावी समीकरण को सेट करना विपक्षी दलों के लिए आसान भी हो सकता है। VideoDesk AmarUjala.com अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।